तो वो सब पे रंगदारी का मुकदमा लिखवाता है। फिर वो क्या करता है, मुकदमा लिखवाने के बाद सामने वाले पे दबाव बनाता है कि अरे थोड़े से खाने हैं, अभी तो इतने मीठे भी नहीं होंगे, बहुत मीठे हैं, वो तो मुझे दिख गए। गरम हो रहा है, चाय बन रहा है, ब्रेड सेक रहा है, ब्रेड यहाँ पे सेक चुका है, बटर लगना है और ये कप है हमारे। कि मेरे पिताजी से अभी मेरे रिश्ते खराब है तो इस चीज का कहीं ना कहीं, अब पता नहीं कहाँ झूला मिलेगा विवान को अभी सुबह सुबह झूलने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं सोच, पापा बना रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो बना रही हूँ, आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो आरती वर्मा, आपकी शायद जो आंखें हैं वो कमज़ोर हैं या फिर आपके कान कमज़ोर हैं। लव यू दी, देखना तो रिप्लाई ज़रूर करना, जब मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगी तो आपसे मिलने ज़रूर आऊंगी। थैंक यू। तो आपने कल चलाई तो थी, हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, आए हो आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें जैसा कि लोग नहीं करते। तो अभी हम लोग एक काम से निकले हुए थे और हम लोग पहुंच गए हैं, हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, पेट पूजा वो इसलिए पानी के बताशे खाने का मन कर रहा था, मतलब गोलगप्पे, तो वही खाने रुके हैं। और तो उसका काम ही यही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है उसका पेट फेवरेट वर्ड जो बोलते हैं ना वो रंगदारी, तो वो सब पे रंगदारी का मुकदमा लिखवाता है। फिर वो क्या करता है, मुकदमा लिखवाने के बाद सामने वाले पे दबाव बनाता है कि मुकदमा वापस मैं तभी लूँगा जब तुम लोग पैसे दोगे। तो मेन अगर बोला जाए तो रंगदारी तो वो करता है, मतलब वो सिर्फ रंगदारी लिखवाता है लोगों पे, उसका काम ही यही है, उसका घर ही ऐसे चल रहा है, मतलब पहले रंगदारी का मुकदमा लिखवाओ, फिर क्या कहते सामने वाले से बोलो कि मैं समझौता कर लूँगा, अगर मैं केस वापस ले लूँगा अगर तुम लोग पैसे दोगे, तो मेन चीज़ें तो वो करता है। तो गाय हम पहुंच चुके हैं मुरादाबादी मूंग दाल टिक्की बताशे, अच्छा भैया के पास मुरादाबादी दाल भी है और यहाँ पे अजितेश आनंद ले रहे हैं गोलगप्पे का। कैसा है पानी बता दो, पानी है बहुत बढ़िया। विवान कैसा है, आप बताओ कैसा है। हाँ ये तो कहते हैं तुमने बहुत, गाय मेरे फेवरेट जामुन मिल गए मुझे, दे दो 50 रुपए के, 70-70 नहीं है हमारे पास, 50 रुपए है बस। अरे थोड़े से खाने हैं, अभी तो इतने मीठे भी नहीं होंगे, बहुत मीठे हैं, वो तो मुझे दिख गए बस इसलिए ले लिया मैंने। तो कम चढ़े बताओ, ना ना ज्यादा नहीं, इतना ही, अब तो बारिश होने के बाद सस्ते हो जाएंगे तो लेंगे। तो रात का खाना हो रहा है तैयार और इसमें बनाई है मैंने मलका की दाल। अब कोई ये मत कहना कुकर बहुत गंदा है, क्योंकि बाहर आ जाती है दाल हमारे कुकर से, तो अब मलका की दाल बनेगी। लेकिन गाइस मैं इसमें अमिया डालना भूल गई, अब डालूंगी छोंकने के टाइम पे तो वो गलेगी नहीं, इसलिए ऐसे ही छोंक दे रही हूँ। वाह भाई वाह, ये तो मेरा फेवरेट मामला तैयार हो रहा है, बटर ब्रेड ये आपका भी फेवरेट है। ओके वीवो को आज दूध पिला दे गाइस, ये भी बहुत चाय की डिमांड करने लगा क्योंकि देखता है चाय क्या करे, चाय पियोगे। हाँ। देखो दूध गर्म हो रहा है, चाय बन रहा है, ब्रेड सेक रहा है, ब्रेड यहाँ पे सेक चुका है, बटर लगना है और ये कप है हमारे छोटे बड़े छोटे। हाय हाय, देखो कैसे पसीने में आ रही है लली, बताओ लली, विधायक जी की बेटी लली पसीने में नहा रही है। लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अपने पिताजी की मर्जी शादी करती तो ऐश कर रही होती, पता चले कुछ और ही हो जाता है। क्यों वो आया मेरे परिवार की लड़कियों के साथ, क्या हुआ, अरे चावल भर लिए तुमने मुंह में, क्यों तुम्हारा यही काम है, तभी तो भूख नहीं लगती है तुम्हें पूरे दिन में, एक ही बार खाती हूँ पूरे दिन में। अरे रात में सो, अरे क्यों मुंह खुलवा रही हूँ, मेरा रहन दो, बोलो बोलो, नहीं नहीं रहन दो, तुम मुझे लेक्चर पढ़वाओ कमेंट सेक्शन में लोगों ने, छोड़ोगी नहीं तो गाइस एक चीज और बता देते ना कि हम लोग देखो थाने गए थे अपनी एप्लीकेशन देने, बारादरी जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप सोच लो कि मेरे पिताजी से अभी मेरे रिश्ते खराब हैं, तो इस चीज का कहीं ना कहीं लोग फायदा उठा रहे हैं। और आप ये सोचो कि हम जैसे चर्चित लोगों पे जिनका एक एक सब कुछ पता है लोगों को कि हम किस तरह के हैं,
हम ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करेंगे, हम मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन लोगों ने लिखवाई और हम पे लिख भी गई। तो आप ये सोचिए कि कितने झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर लिखे जाते होंगे। गरीब आदमी तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता होगा। अब मुझे फील हुआ कि जो कोर्ट में भीड़ होती है ना, कि हम जैसे लोगों की होती है, जहाँ पे किसी की कोई सुनता नहीं है, तो इंसान कोर्ट के दरवाजे जाता है, लास्ट ऑप्शन उसके पास वही बचता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह सवारी निकल चुकी है अपनी मंजिल की ओर। मंजिल नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं किसी जरूरी काम पे, चूल्हा झूलने। हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, विवान जा रहे हैं जंपिंग जैक, है ना, जंपिंग जैक। तो विवान झूला झूलने जा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ झूला मिलेगा विवान को अभी सुबह सुबह झूलने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं सोच रही हूँ गाइस LLB कर लूँ, तो उसी काम से जा रही हूँ मैं। देखती हूँ कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, क्या है क्या नहीं है। क्लासिक कॉलेज ऑफ, क्या क्लासिक कॉलेज ऑफ, क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ, आज अधूरा लॉ मैंने वहीं से किया, तो मैं पूरा कर लूँगी, तभी तो लेके जा रहे हो तुम मुझे वहाँ पे। दोस्तों विवान अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत प्यास लगती है, गर्मी में ऑब्वियसली बातें लगती है। मैं भी अपनी बॉटल साथ में लेके जाती हूँ। ये क्यों लेके आए हो, ये तो इसको क्यों लेके आए, ब्लू वाले को? अच्छा दोनों लेके जा रहे हो, ठीक है। क्या बनना है? इसमें नींबू डाल लेना, मुझे भी खिला देना। नींबू फ्रिज में रखे हैं। ऐसे माइक की तरह ऐसे आगे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या बना रहे हो पापा, क्या बना रहे हो? उस दिन उन्होंने देखा था ना। मैं पापा बना रहे हैं। पापा कैसे कैसे वीडियो बना रही हो? आपकी वीडियो बना रही हूँ। क्या से सीख गए हो ये सब? गुन्नू रिपोर्टर बनना चाहते हैं वीवो। बटर भी डाल दे रहा हूँ। बटर लोग कहेंगे कितना बटर, लोग कहेंगे कितना बटर खाते हो, गिर जाएगा वीवो। सब कलाकारी हरी रहे हैं तुम्हारी। अब बीच निकाल, यो यो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एक तो कमेंट के रिप्लाई कर दूं? हाँ क्यों नहीं, करो करो करो। ठीक, तो दोस्तों काफ़ी लोग का कल ब्लॉग नहीं आया, इस चीज़ का भी सवाल था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हमारे पास पर्सनल में भी मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि ब्लॉग क्यों नहीं डाला, सब कुछ ठीक है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि कल थोड़ा बिजी शेड्यूल था और इस वजह से हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा बिजी थे इस चक्कर में ब्लॉग नहीं आया, बाकी ऐसा अदर कोई रीज़न नहीं था, बाकी सब कुछ ठीक है आप लोगों की मेहरबानी से। और जो भी केस हुआ है वो सबको पता है कि साक्षी अजितेश ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और सामने वाले ने क्या किया है, तो वो चीज़ हमने ऊपर वाले पे छोड़ दी है और हमने कानून पे छोड़ दिया है। हमें पता है कि हमारे साथ न्याय होगा और अन्याय नहीं होगा। तो एक इन मैम का भी कमेंट था कि आज ब्लॉग नहीं आया, तो मैम सिर्फ इसीलिए नहीं आया ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं था। और एक कमेंट और है, ये कह रही है आरती वर्मा, इनका कमेंट है परिवार से बगावत करके किया गया प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होता। तो आरती वर्मा, आपकी शायद जो आंखें हैं वो कमज़ोर हैं या फिर आपके कान कमज़ोर हैं, इन दोनों में से आपकी एक चीज़ तो कमज़ोर है, क्योंकि हो सकता है आपको वीडियोस में मेरे साथ अजितेश दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब मुझे सपोर्ट करते हुए। हम लोग कोर्ट कचहरी भी जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं। मैंने प्यार अजितेश से किया था, तो इसमें आपको मतलब क्या कहते हैं, ना सफल हुआ क्या दिख रहा है कि जो सफल नहीं हुआ? मेरा, मैंने अजितेश से शादी की तो वो सफल हो गई ना। आज हम दोनों आज हम लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोनों साथ में कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अलग कर रहा है या हम दोनों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो और कैसे आपकी नज़र में प्यार सफल होता है, आप मुझे उसकी डेफिनेशन बताइए। मेरी नज़र में तो यही प्यार सफल होना है कि आज हम लोग दुख में एक दूसरे के साथ हैं, जो कि अरेंज मैरिज में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर परेशानी दिक्कत में एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। मतलब अरेंज मैरिज में नहीं, लव मैरिज में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा तो आपको दिख नहीं रहा लगता है, और या फिर आपके कान खराब है कि आप सुन नहीं पा रही हैं कि अजितेश मेरे साथ हैं और मैं अजितेश के साथ हूँ। और आपकी डेफिनेशन में प्यार सफल होना किसको कहते हैं, आई डोंट नो। एक ये कमेंट कर रही है मैम, वाइफ विथ ब्यूटी, साक्षी दी मैं भी पंडित हूँ, मुझे
पहले लगता था आप गलत हो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद समझ आया आप दिल की बहुत अच्छी हो। आपको जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वही बुराई करते हैं। आपके पापा आपको अपने अपना लें, प्रार्थना करती हूँ। और बहुत हिम्मती हो सच में, लोग बोलते हैं कि आप जैसी बेटी ना हो, मैं बोलती हूँ मेरी जब शादी हो, बेटी हो तो आप जैसी। लव यू दी। देखना तो रिप्लाई जरूर करना, जब मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगी तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच कि आपकी इतनी पॉजिटिव सोच है मुझे लेकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या कहते हैं आप इतना पॉजिटिव मेरे बारे में सोच रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए ये प्रे भी कर रही हैं कि मेरे पिताजी मुझे अपना लें। और मैं भी भगवान से प्रे करूंगी कि आपने जो भी गोल फिक्स कर रखा है अपनी लाइफ में, जैसा कि आपने बताया कि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं, और जब भी आप बन जाएंगी तो आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी, तो मोस्ट वेलकम। आप जब आपका मन करे तब आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। और पता है दिक्कत क्या है समाज को ना, हम जैसी लड़ती हुई लड़कियां, हम जैसी अत्याचार पे खिलाफ, मतलब अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं समाज पे ना। समाज को ना मुंह बंद करी हुई लड़कियां, ससुराल वालों का टॉर्चर झेलती हुई लड़कियां पसंद आती हैं। फिर एंड टाइम पे क्या होता है, वो खुद को ख़त्म कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, या जला, हाँ बिचारी टाइप, या फिर जला दी जाती हैं। तो फिर वो लोग ये, अरे हम इसकी किस्मत में ही यही था, अरे इसको पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, अरे कोई दिक्कत थी तो अपने माँ बाप को बताती, तो इस तरह की बातें समाज करता है। लेकिन बोलती हुई लड़की, अपने हक के लिए लड़ती हुई लड़की किसी को पसंद नहीं आती। तो ये समाज के ठेकेदार से समाज के ठेकेदार रहेंगे, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इनका काम ही ये करना है, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक कमेंट और पढ़ा था मैंने एक भाई का, वो उन्होंने बहुत सत्य बात लिखी है, मतलब जो इस समाज का चेहरा है वो उन्होंने सच लिखा है कि यूपी में पुलिस वाले सबसे पहले दोनों साइड के बैक एंड पावर की नॉलेज लेते हैं, किसका पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, उसके बाद वो बंदा जिसका पॉलिटिकल बैकअप नहीं होता उस पर ही चढ़ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब अपना बंदे से रिलेशन ख़राब होते हैं और वो बाहर वालों को पता चल जाते हैं, तो वो लोग कभी आपके आगे पीछे घूमते थे और पैर छूते थे, वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आजकल सोसाइटी सिर्फ पावर को सलाम करती है, बाकी आप अपना परिवार चला रहे हो शांति से, उसे उनको कोई मतलब नहीं होता। मेरे फादर के ना रहने से मेरे ही पड़ोसी अपनी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं रखी, जिनको मेरे फादर ने अपने आसपास बसाया, अब वो ही फुल एटीट्यूड में रहते हैं। तो अमित भाई, आपने बिल्कुल सच लिखा है, और आपने कहीं ना कहीं ये समाज का जो धोरा फेस है ना, वो दिखाया है आपने कमेंट के माध्यम से। और ये चीज़ बिल्कुल ठीक हुई, हम पे जो केस लगाया गया है, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है, दबाव में हम पर केस लगाया गया है। और कोई नहीं, केस लगाना, एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई प्रार्थना पत्र दे सकता है, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन उसके बाद जो क्या कहते हैं जांच पड़ताल होती है, उसमें हम क्या साबित होते हैं, हम सच में आरोपी हैं, वो चीज़ तो कोर्ट साबित करेगा कि हम सच में आरोपी हैं या नहीं है, ठीक है। हमें ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, और हमें खुद पे भरोसा है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और बाकी जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं कि साक्षी अजितेश क्या हैं। और ऐसे झूठे मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बस मेरा तो ये मानना है, डट के सामना करो इन चीज़ों से, आज नहीं तो कल आपकी भी सुनी जाएगी, ठीक है। हर टाइम, हर वक्त, हर डेट एक जैसी नहीं रहती, समय सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। और आपने ये चीज़ बिल्कुल बोली कि सही बोली कि बाहर वालों को जब पता चल जाता है कि क्या कहते हमारे घर का ही दुश्मन हमारा बैठा है, और मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है, ये 100% सत्य भी हो सकता है, कि मेरा ससुर उसमें मिल गया हो जाके, क्योंकि ससुर मेरा आए दिन घूमता फिर रहा है कि मुझ पर क्रॉस मुकदमा वो लिखवा दे, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है वो उसमें मिल गया हो, और वीडियो के आधार पे कोई भी ऐसी धारा नहीं बन रही थी जिससे हम पर मुकदमा लिखा जाता, इसीलिए उन्होंने रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया, क्योंकि वो अपने आप को इतना बड़ा पैसे वाला समझता है। मतलब जो इंसान मलाई चाटने का काम करता है वो क्या पैसे वाला होगा, तो उससे हर कोई रंगदारी मांगता है, मतलब उसका काम ही है कि वो हर किसी पे रंगदारी का मुकदमा लिखवाता है, उसके अलावा उसके पास और कोई। लेकिन मैं उसको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इतने मुकदमे लिखवा कि किसी दिन सच में तुझसे कोई रंगदारी मांग ले, उस दिन पुलिस प्रशासन तेरी सुने ही ना, है ना। अभी तो झूठे मुकदमे लिखवा रहा है, लेकिन भगवान किसी दिन ऐसा कर देगा कि सच में तो उससे कोई रंगदारी मांग लेगा और पुलिस तेरी सुनेगी तक नहीं। इसलिए इतना झूठ बोल जितना चल जाए, ठीक है। और बाकी मेरा ससुर 100% इस चीज़ में मिला हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है, तो ससुर तो करवा नहीं पा रहा था इसलिए उससे करवा दिया, लेकिन मुझे प्रशासन और कानून पर पूरा विश्वास है कि
एंड में जीत सत्य की होगी। भले ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, चीज़ें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा लेंगे। और हमें पता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया, और हमें ये भी पता है उसने क्या किया। सिर्फ एक वीडियो डिलीट करवाने के लिए उसने रंगदारी लिखवा दिया, और वीडियो भी डिलीट हुई नहीं, क्योंकि वीडियो में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा था, तो बेचारा क्या करता। तो आपने ये बात बिल्कुल सच बोली, जब अपने घर के ही लोग दुश्मन बन जाते हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो इस समय हमारा मेरा ससुर ही है, और वो जो उसमें जाकर मिल गया है और उसी से उसने केस करवाया है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। तो चलिए, केस करवाना कुछ नहीं होता, करवा दिया, अच्छी बात है। बाकी आगे की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, और आप लोग सतर्क रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मस्त रहें। और देखो देखो विवान आ गया बाय करने, उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया व्लॉग एंड हो रहा है, बाय। यो कुछ कहना है आपको अपने फादर के बारे में? कोई बात नहीं, बस सब कुछ कह डाले बाबू, मेरी टीवी खराब हो गई है। करा देंगे सही, टीवी सही करा देंगे। सही कराते के मालूम कब कराओगे? वैसे तो मैं ही सही कर दूंगा, वो तार उसका पीछे से वो हो गया। वो मैं ना क्राइम पेट्रोल देख पा रही हूँ, ना कुछ देख पा रही हूँ, नहीं है तो इसलिए सही नहीं है, लगा देंगे इसको। नहीं तो सही कराओ, समय मिलेगा तो जरूर देखेंगे। कर देंगे। तो आपने कल चली तो थी? एंड्रॉइड बॉक्स में दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है गाइस, हमारी टीवी खराब हो गई है लेकिन सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे दिए। बाय बाय, लव यू। और हमारे आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहे, स्ट्रॉन्ग। बोलो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय गाइस, बाय गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, स्ट्रॉन्ग बने।